हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज में स्विच केस की मदद से कैलकुलेटर बनाने का एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिख रखा है जिसे आप देख सकते हैं। और यहां पर इंट मेन टाइप का फंक्शन मैंने बनाया है, मेन तो फंक्शन बनाना ही पड़ता है। यहां पर कैर टाइप का ओपी नाम से एक वेरिएबल और डबल डेटा टाइप का यूज किया, फर्स्ट सेकेंड दो नंबर लेंगे, दो नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे भाग देंगे सब करके देखेंगे। देखिए जोड़ने के लिए हम लोग प्लस लिखते हैं, तो यहां पे प्लस लिखा, फिर यहां पे माइनस, इसको प्रिंटफ के अंदर लिखा हुआ है। और यहां पे चूंकि डबल डेटा टाइप की बात कर रहे हैं हम, तो एलएफ लिखा है, ठीक है ना। अब यहां पर ये पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं, ये पूरा प्रोग्राम अब यहां पे लिखा हुआ इंट में, तो इसीलिए रिटर्न जीरो लास्ट में करवाया मैंने। अब इसको एक बार चलाते हैं, कंपाइल करवाते हैं, फिर रन करवाते हैं, तो ये कंपाइल हो जाना चाहिए, कोई एरर नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, तो कंपाइल हो गया। अब यहां से इसको एक बार रन करवाते हैं, तो ये रन करवाया, तो कह रहा है इंटर द ऑपरेटर। करना क्या चाहते हैं, अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो प्लस लिखिए, सॉरी अपॉन लिखिए, और अगर प्लस करना चाहते हो तो प्लस लिखिए। चलिए हम प्लस लिखते हैं, तो यहां पे प्लस लिखा, एंटर किया, एंटर किया, तो आप यहां कह रहा है कि दो ऑपरेंड को आप एंटर कीजिए, भाई दो नंबर्स को जोड़ेंगे ना, कम से कम दो नंबर्स की आवश्यकता है। तो यहां पे 5 लिखा और यहां पे 9 लिखा, तो 14 आना चाहिए आंसर, और यहां पे देख सकते हैं 14 आ भी रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि पहला ऑपरेशन तो हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। चलिए इसको क्लोज करते हैं, दोबारा से रन करवा देते हैं। रन इस तरीके से करवाएंगे, आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल F10 प्रेस कर सकते हैं रन करवाने के लिए, ठीक है ना। तो आप कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे तो भी रन हो जाएगा। इस बार हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड का साइन बना देते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे 7 को डिवाइड करता हूं 2 से और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। वेरी परफेक्ट, सही है बिल्कुल, इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है ना। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन के लिए एक छोटा सा वीडियो और बनाता हूं मैं, ठीक है। और इसमें बहुत कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आपको नहीं आएगा, ये आसान है, और इसके पहले भी मैंने कई सी लैंग्वेज पे वीडियोस बनाई है डिटेल में, वैसे इसके लिए भी बना दूंगा, कोशिश करूंगा कि आज ही बना करके डाल दूं पूरा डिटेल वीडियो, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।